मार के कारण किसान की फसलों में खराबा हुआ है, उसके लिए हमने बुहाना SDM और सूरजगढ़ SDM को बहुत बड़ी संख्या में किसानों के साथ ज्ञापन दिया था। और कलेक्टर साहब से आज हम ये बात करने के लिए आए हैं कि आपके पटवारी किसान के व्यक्तिगत खेत पर जाकर उसके सामने उसकी उपस्थिति में खराबा की परसेंटेज लिखें, किसान के हस्ताक्षर कराएं, फिर आपको भेजें। तो कलेक्टर साहब ने सकारात्मक बात हमारी हुई है, उन्होंने हमको सारी बातों पर कहा है कि वाकई खराबा हुआ है। और आपको भी मैं कह रही हूँ, हमने तो कम से कम 200 खेत देखे और मीडिया को साथ लेके भी देखे। 100% खराबा सूरजगढ़ विधानसभा और बाकी के पूरे ज़िले में हुआ है। इसलिए सारे वरिष्ठ लोग किसानों के प्रतिनिधि बनकर यहाँ आए हैं। अगर न्याय नहीं हुआ तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए अंत तक जाएंगे। पर जी पर क्योंकि अड़सीसर क्षेत्र में चने में भी नुकसान है और फसलों में सब में नुकसान है, रात को पाला पड़ा है हमारे यहाँ, तो बची खुशी कसर भी पूरी हो गई। कलेक्टर साहब कह रहे मैंने सही फसलों के लिए किया है, तो पटवारी क्या लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं? पटवारी हमको तो कह नहीं रहे, किसान के खेत में तो जाके कहते हैं आपके तो 100% है, पर लिख नहीं रहे हमारी मौजूदगी में। इसलिए हम डाउट कर रहे हैं कि हमारी मौजूदगी में लिखे किसान के हस्ताक्षर कराएं, हम तो विश्वास कर रहे हैं। सब मोटी बात यह है, एक नगर पालिका क्षेत्र का हमको डाउट था कि अभी तक नहीं गए पटवारी पर, कलेक्टर साहब ने हाँ की है कि वो लैंड कोई भी है वो उसी सब में हो। हम विश्वास करके जा रहे हैं, वरना फिर दूसरा रुख भी हम अपनाएंगे।